आइए जानते हैं फ्रेंड्स, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कैसे आपको पैरामेडिकल का फॉर्म भरना है। तो यहाँ एमपी ऑनलाइन में नवीन सेवा को क्लिक करेंगे, वहाँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। यहाँ नोटिफिकेशन देखिए कोई जारी नहीं है, किंतु सेकंड जो पोर्टल है सेवाएं, उसमें क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन 1 से 25/11 तक है, तो यहाँ क्लिक करें कि ऊपर में आपको क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ आपको फिलअप करना है, तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी फिलअप करके दिखा देता हूँ अपना। फ्रेंड्स, यहाँ एप्लीकेशन का नाम लिखना है, फिर फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, इसके बाद आप क्या डोमिसियल एमपी के हैं, तो यस, और कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ कैटेगरीज चूज़ कर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी, तो आप इंडियन तो सेलेक्ट कर लीजिए, इंडियन। इसके बाद आपका जेंडर, जेंडर के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ ईयर्स दिया हुआ है। इसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डेट। इसके बाद ऑटोमेटिक आगे जाएंगे, तो आपका 30/11/2019 को एज कितना हो रहा है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में आपको डालना है 10th 12th का, या फिजिकल हैंडीकेप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें भी क्लिक कर लेना है। अब 10th का पासिंग ईयर, इसके बाद कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं, स्कूल का नाम और परसेंटेज जो 00.00 के आधार पे होता है, यहाँ फिलअप कर लेंगे। फ्रेंड यहाँ 70 पॉइंट, तो जितना दशमलव के बाद 2 अंक है उसको करना है, अगर नहीं है तो 0-0 करना है। इसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ चूज़ कर लेना है, पासिंग ईयर यूनिवर्सिटी स्कूल नेम, और फिर परसेंटेज आपको फिलअप करना है। ये करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आएंगे, तो फिर से बायोलॉजी सब्जेक्ट का ओनली वन दिया हुआ है, तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो पासिंग ईयर है सेम वही फिल करेंगे जो 12th में फिल किए थे, वही यूनिवर्सिटी इसमें भी डालेंगे, और इसमें जो स्कूल का नेम है सेम वही रहेगा। इसमें बस जो परसेंट है उसमें जो बायोलॉजी के टोटल मार्क्स आए थे उसी को इसमें फिलअप करना है। तो यहाँ फिर से हम यहाँ फिल कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसी को कॉपी में कर लेता हूँ जो 12th में डाला हूँ। इसके बाद इसमें परसेंटेज अलग से डाले हैं, फिर यहाँ आप गवर्नमेंट अगर अप्लाई है तो यस या तो नो कर देना है फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटल है तो। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ परमानेंटली एड्रेस है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपका अकाउंट नंबर, बैंक में जो नाम है अकाउंट होल्डर का नाम, और IFSC कोड, ये सारे इसमें आपको फिलअप कर लेना है, बैंक डिटेल्स आपके। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स अटैच फ़ोटो विथ सिग्नेचर, तो आपके साथ फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों के साथ होना चाहिए, और इसके फॉर्मेट के लिए यहाँ नीचे दिया हुआ है वहाँ साइन कर सकते हैं। यहाँ मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे पास सिंपल एक फ़ोटो है उसी को मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ नीचे फॉर्मेट डाउनलोड करके यहाँ नीचे साइन और सिग्नेचर दोनों है वो उसको क्रॉप करके आपको इसमें फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ चलिए मैं क्रॉप कर लेता हूँ, अपना फ़ोटो आ चुका है यहाँ मेरा, और यहाँ नीचे क्रॉप्स का ऑप्शन दिया है, जितना को सेलेक्ट करना है आप कर लेते हैं। उसके बाद नीचे क्रॉप्स का ऑप्शन है, क्रॉप्स का ऑप्शन पे इसको कर देते हैं। करने के बाद यह फ़ोटो अपलोड हो जाता है। इसके बाद यहाँ कैप्चर दिया गया 8+2, इसके बाद उसको 10, तो 8+2 कितना होगा, 10 नहीं हो रहा है, अगर नहीं लिखा रहा है तो 8+1 9, तो यहाँ मैं चलिए टाइप कर लेता हूँ, यहाँ डिक्लेरेशन दिया हो, इसको क्लिक करके नेक्स्ट को ऑप्शन करते हैं, तो आपके मोबाइल पे एक OTP आता है। OTP आने के बाद उस OTP को इसमें फिलअप कर लेना है और सबमिट OPT के बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ करने के बाद आपको कुछ फॉर्मेट जो फाइल है उसको अटैच करना है, जिसमें हाई स्कूल 12th और MP डोमिसियल जो सारे 200 KB के होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ चलिए चूज़ ऑप्शन में कर लेते हैं, और जितने आपके स्किन हैं जहाँ 10th है, तो मैं फ्रेंड्स अपना फ़ोटो ही कर रहा हूँ, सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स। यह तो बस स्टेप्स, फिर इसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यह अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। बगल में देखिए डाउनलोड और अटैच का फाइल आ गया है। इसी तरीके से हम तीनों को एक साथ कर लेते हैं, तो चलिए मेरे पास कोई और डॉक्यूमेंट्स 200 KB का नहीं है, तो सिर्फ मैं डेमो के लिए आपको अपना फ़ोटो ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ तीनों बार अपना फ़ोटो को कर लेता हूँ अपलोड। ये तीनों अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स नीचे यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये थोड़ा लोडिंग लेने लगता है, और आपका यहाँ एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ नीचे प्रोसीड टू पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये रिडायरेक्ट कर देता है बैंक ऑनलाइन पेमेंट के सेक्शन पे, तो यहाँ नेट बैंकिंग या आप जिस माध्यम से करना चाहते हैं, तो डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो चलिए मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड कर लेता हूँ। पहला मोड को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद
आप इसमें अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसके आगे का प्रोसेस तो आप खुद कर सकते हैं, इसमें रिफ्रेश नहीं करना है। अब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आ चुका है, तो आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ अब बता दूँ, और यहाँ जो टोटल फीस दिया हुआ है 500 रुपये 60 पैसा, तो यहाँ पेमेंट प्रोसेस करना है। तो चलिए मैं यहाँ इसको कैंसिल कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग।